देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को विफल करने में अहम योगदान देने वाला दसवीं फेल डॉक्टर पानीपत के सेक्टर 18 से पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर अल्ट्रासाउंड वेब पोर्टल मशीन के साथ काबू किया। वह एक साल से सक्रिय था और लिंग जांच कर रहा था। पुलिस ने इसे न्यायालय में पेश कर 2 दिन का रिमांड लिया है। पुलिस के अनुसार अमित के साथ काम करने वाले सक्रिय साथियों की तलाश की जाएगी। शाम को हमें सूचना मिली कि एक लड़का जिसका नाम अमित है अपनी काइनेटिक के साथ पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन लेके सेक्टर 18 रोड पे जो आगे चल के चौराहा है गवर्नमेंट पुलिस के पास वहां पर खड़ा है और किसी का इंतजार कर रहा है। जो उस पोर्टेबल मशीन का वो इलीगल यूज करता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। इस सूचना पर हमने डॉक्टर धनखड़ जो यहाँ के CMO हैं उनसे बातचीत की और एक डॉक्टर्स की टीम भेजने बारे कहा। जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई और हम उनको साथ लेके वहाँ पे रेड की तो उसको काबू किया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक काले रंग का बैग मिला, जिसको खोलकर चेक करने पर उसके अंदर एक पोर्टेबल मशीन प्रोब केबल और चार्जर मिला। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी CMO ने माना कि विभाग के कर्मचारी भी इस खेल में शामिल हो सकते हैं। जो पोर्टेबल मशीन है ना, ये हमारे पास पहले तो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। हर एक मशीन का हर एक जगह का रजिस्ट्रेशन मस्ट है डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास, और उसके लिए क्वालिफिकेशन भी होती है, वो भी मस्ट है। अगर वो तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ भी फुलफिल नहीं करता तो उसमें जो है PCNP NDT के अंडर जो है केस किया जाता है, और इन तीनों में से कोई भी चीज़ इसमें फुलफिल नहीं होती है, ना प्लेस रजिस्टर्ड है, ना डॉक्टर रजिस्टर्ड है, ना क्वालिफिकेशन है। पानीपत से AZAD TV न्यूज़ के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।